पंजाब में कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कल शाम दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। चरणजीत सिंह चन्नी के साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि इस बैठक में कैबिनेट विस्तार को अंतिम रूप दिया गया। इससे पहले गुरुवार को भी चरणजीत सिंह चन्नी ने राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की थी। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल हो सकता है। बताया जा रहा है कि गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही हो सकता है। कल शाम सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। सचिन पायलट के अलावा राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा लंबे समय से चल रही है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए कांग्रेस गहलोत खेमे के विधायकों को संतुष्ट करने की कोशिश करेगी। असम के दरांग जिले के धौलपुर गांव में स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। सुरक्षा कारणों से बलुआ घाट इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस बीच असम में हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। असम हिंसा के बहाने ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्यों की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी शासन में कोई कानून नहीं है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर के उपचुनाव में राजनीतिक संग्राम तेज हो गया। बीजेपी ने प्रियंका टिबरेवाल के साथ बदसलूकी को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी का आरोप है कि कोलकाता डीसीपी साउथ डिवीजन आकाश मघेरिया ने प्रियंका टिबरेवाल के साथ बदसलूकी की। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर डीसीपी साउथ डिवीजन आकाश मघेरिया को सस्पेंड करने की मांग की है। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी आज प्रयागराज जाएंगे। पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के पार्टी में शामिल होने के बाद ये ओवैसी का पहला प्रयागराज दौरा है। प्रयागराज में ओवैसी पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। बीते दिनों असदुद्दीन ओवैसी ने अहमदाबाद की जेल में बंद अतीक अहमद से मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अतीक अहमद से मुलाकात की इजाजत नहीं दी थी।